Okay, good morning. Good morning, student. Welcome back in OGI classes, OGI video classes. Today we are going to discuss next topic, means new chapter from internet subject, chapter number 2. From this chapter we are going to discuss topic first. What is protocols? प्रोटोकॉल्स क्या है? इंटरनेट की दुनिया में प्रोटोकॉल्स के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है. तो प्रोटोकॉल्स क्या है, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है. और एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है. इसीलिए हमारे यूनिट में जो है, हमारे सिलेबस में ये पूरा लेसन के रूप में दिया हुआ है, जैसे कि जिसका नाम है इंटरनेट TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल्स, इस तरीके से दिया हुआ है. तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. इंट्रोडक्शन के रूप में लिया है हमने कि इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अगर बात करें कि प्रोटोकॉल होता क्या है, तो इस शब्द की अगर परिभाषा समझें तो प्रोटोकॉल्स का मीन्स होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स, यानी कि नियमों का समूह, जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. बाय विच यूजिंग अ नेटवर्क ट्रांसफर डेटा इनटू द वेरियस नेटवर्क्स एंड रीच डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन. कहने का मतलब ये है कि अलग अलग नेटवर्क से होते हुए डेटा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. तो जब डेटा ट्रेवल कर रहा होता है नेटवर्क में, तब डेटा का मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए डेटा में कोई त्रुटि ना हो या डेटा की कुछ चोरी ना हो, तो इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी या मेंटेनेंस के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, और वैसे हिंदी में हम इसको नियमों का समूह जानते हैं. तो आपके जो सिलेबस में है कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं पहला क्या है हमारा. आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो कि TCP/IP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ में वर्क करता है. ये प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि TCP/IP हमारी, अगर हमने आपको OSI वाला एक वीडियो दिया था तो उसमें आपने देखा होगा, जो हमारी थर्ड लेयर होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन या TCP लेयर जो थी उसमें आपने, या ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से वो लेयर मैंने उसमें OSI मॉडल में बताया, तो उसमें आपने देखा था जो तीसरी लेयर है, तो उस लेयर पे ये हमारा जो IP जो कि TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ में ये वर्क करता है. और ये प्रोटोकॉल जो था वो 1970 में बनाया गया था, और इसका जो पहला वर्जन था IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये 1970 में आया था. अच्छा, ये इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? जब डेटा हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, सपोज जैसे मैंने ये सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, तो जैसे कि कंप्यूटर 1 से जब डेटा हमारा ट्रेवल होगा, जैसे ये हमारा डेटा है, तो ये डेटा जब हम इस वाले एड्रेस को सेंड करेंगे, यानी कि कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर को सेंड करेंगे, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम एड्रेस डाल लेते हैं 2, कंप्यूटर 2, और ये हमारा डेटा है. ये हमने जब डेटा इसको हम भेजेंगे, तो ये डेटा क्या होगा, सबसे पहले मॉडेम से होते हुए ये डेटा ग्लोबल पे पहुंचेगा. ग्लोबल का मतलब हमारे सर्वर कंप्यूटर पे पहुंचेगा, और सर्वर कंप्यूटर के पास में जितने भी दुनिया में इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट होती है, और उनका आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है. तो आईपी एड्रेस के माध्यम से, जिस आईपी एड्रेस से डेटा आया, जिस आईपी एड्रेस को जाना है. आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जो इंटरनेट से जुड़ी हुई मशीन होती है, उसका एक नेटवर्क की दुनिया में दिया गया एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. वो चेक करता है कि जो जिस डेस्टिनेशन को डेटा हमारा भेजा गया है, जिस एड्रेस को डेटा भेजा गया है, क्या सर्वर के पास या सर्वर की लिस्ट में वो डेटा या एड्रेस है. अगर है
तो वो चेकआउट करता है और फिर उस डेस्टिनेशन ऑफ नेटवर्क को वो डेटा ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। तो वो डेटा इस तरीके से इस मॉडल पे आएगा, फिर सिस्टम पे शो करेगा। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा फ्रॉम, और कंप्यूटर वन, और इस तरीके से डेटा हमारा शो होगा। तो जब डेटा हमारा ग्लोबल में ट्रेवल कर रहा था, तो उस समय डेटा को मेंटेन करने का काम रूट को सिलेक्ट करते हुए डेस्टिनेशन मशीन से, डेस्टिनेशन मशीन मतलब पाने वाली मशीन, जो मशीन डेटा पाएगी उस मशीन को डेटा पाने के लिए उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और मशीन का पाथ फाइंड आउट करते हुए नेटवर्क में ट्रैवल करते समय आईपी बहुत मदद करता है, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योंकि टीसीपी क्या होता है, वो डेटा को केवल लेकर चलता है और उसके बाद में जो डेस्टिनेशन को मेंटेन करने का काम है, सरल भाषा में कहें कॉन्टेक्ट को साधने का काम है, वो हमारा साथ में आईपी करता है। और साथ ही साथ एक बात और बता दें आपको कि जो आईपी होता है वो डेटा के पैकेट का भी मेंटेनेंस करता है। ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई पैकेट गुम हो जाए या पैकेट की इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी आईपी लेके चलता है। उसके बाद में इसमें मैंने दो वर्जन के लिखे हुए हैं, IPv4 जो कि 1970 में आया था और IPv6 जो कि 2012 में आया था। अच्छा, ये IPv4 जब बन गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो इसकी लाने की जरूरत क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोइंग जो है डे बाई डे हो रही है। तो डे बाई डे जब हो रही, तो जाहिर सी बात है मशीनों की भी ग्रोइंग होगी, मतलब मशीनें भी ज़्यादा यूज़ की जाएंगी। तो एक दिन वो आएगा कि जो आईपी देने की जो एक सीरीज है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी। तो इसलिए इसको पहले से ही बना दिया गया है कि अब भविष्य में अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है, कितनी भी मशीनें इस ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं, तो कोई भी आईपी से संबंधित दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी मशीनें सर्वर पर आसानी से अलग अलग आइडेंटिटी के साथ में अटैच हो सकती हैं। तो अगला हमारा प्रोटोकॉल है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जैसा कि इसका नाम है, इंटरनेट कंट्रोल यानी इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला मैसेज प्रोटोकॉल। यानी कि जब हम अपने एक मशीन से, जैसे कि मैंने मशीनें बनाई हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन पे हम जब डेटा भेजते हैं, तब उस समय डेटा की जो कंट्रोलिंग होती है वो ICM करता है, ICMP करता है। और जब नेटवर्क हम में हमारा मैसेज ट्रेवल कर रहा होता है, तो उस समय जो मैसेज होता है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी, जो ICM होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और ये मैसेज को डायरेक्ट जो यूज़र की डेस्टिनेशन मशीन होती है या रिसीविंग मशीन होती है, उस पर ये डायरेक्ट शो नहीं करता है, ये मैसेज को अपने अंडर में रखता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि अरे आपने तो मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन मेरे मोबाइल में इंटरनेट ऑन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे आपका मैसेज नहीं मिला या व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिला। इस तरीके से हम लोग कभी कभी आपस में बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तक कुछ जो मैसेज होता है वो हमारा ICM के पास, या एक तरीके दूसरे सरल शब्दों में कहें कि हमारा जो मैसेजिंग सर्वर है उसके पास रहता है, वो डायरेक्ट हमारे यूजर की मशीन पे शो नहीं करता है। और जब मैसेज पूरा क्लियर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में मैसेज जो होता है वो सर्वर से सीधे रिसीवर को डिलीवर हो जाता है, उसके इनबॉक्स में वो दिखने लगता है। तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो ICM या मैसेज प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में अगला है हमारा TCP। TCP के बारे में मैंने अभी IP के साथ ही आपको बताया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मुख्य काम क्या होता है कि जैसा कि मैंने OSI मॉडल में आपको बताया, तो ये तीसरी लेयर होती है। इस लेयर पर क्या होता है कि डेटा जब हमारा जो ऊपर वाली नेटवर्क लेयर थी उससे जब डेटा प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर उस लेयर को, मतलब उस डेटा को लेकर उसके टुकड़े करती है। टुकड़े मतलब पैकेट बनाती है और उस पर नाम और नंबर डालती है कि हाँ ये पैकेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और किस मशीन से डेटा जा रहा है उसका नाम, और किस मशीन को डेटा जाएगा उसका नाम, ये सारी चीज़ें उस पर पड़ी होती हैं। तो डेटा का मेंटेनेंस यानी कि डेटा संबंधी पैकेटिंग करना, पैकेट के बाद में एक तरीके से सरल शब्दों में क्या, डेटा का पैक करने के बाद में उस पर एड्रेसिंग करना,
एड्रेसिंग के बाद में डेटा को नेटवर्क क्रम में या नेटवर्क में लेकर चलना, ट्रैवलिंग करना, ये सारा काम ट्रांसमिशन कंट्रोल का होता है। साथ में मैंने फिर बोला था, मैं फिर बता देता हूँ, आईपी जो होता है वो डेस्टिनेशन मशीन यानी कि प्राप्तकर्ता मशीन का कनेक्शन साधता है, और साथ ही साथ जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट में डेटा रखा होता है, उनकी जो मेंटेनेंस या रख रखाव का काम है वो भी साथ में आईपी देखता है। यानी कि ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ में ही सहयोगी रूप में काम करते हैं। अगला है हमारा यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि टीसीपी से फास्ट होता है। टीसीपी से फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है ये रियल टाइम में वर्क करता है। आपने रियल टाइम मशीन शब्द सुना होगा, रियल टाइम, यहाँ पर रियल टाइम प्रोटोकॉल मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप वीडियो कॉल करते हो किसी से भी, तो उस समय क्या होता है कि डेटा बहुत ही स्ट्रीमिंग फॉर्म यानी फास्ट स्ट्रीमिंग में डेटा आपका ट्रांसफर होता है। तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल ऐसा होता है जिसकी जो डेटा तो बहुत फास्ट लेके जाता है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि डेटा हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा होता है। बट अगर यही दूसरी तरफ टीसीपी की बात करें तो टीसीपी आपको संतुष्टि देता है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी यूज़र का मैसेजिंग प्रोटोकॉल में एड्रेस डाला, एड्रेस डालने के बाद में मान लीजिए एड्रेस में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक होने के बाद में या सर्वर पे कोई एरर हो गई, इतना ट्रैफिक हो गया कि मैसेज आगे नहीं फॉरवर्ड हुआ। अब क्या हुआ, अगर मैसेज नहीं पहुंचता है तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि मैंने इधर बनाया हुआ भी है, ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है, ये आपको वापस बताता है कि आपका मैसेज सेंड नहीं किया गया है और आपका मैसेज ड्राफ्ट के रूप में बॉक्स में सेव हो गया। ये आपको ऐसी मैसेजिंग या इंफॉर्मेशन बैक रिटर्न बैक प्रदान करता है। लेकिन यूडीपी जो होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे कि आजकल आप व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर जब कॉलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कभी फ़ोटो सही दिख गया, कभी आवाज़ सही दिख गई या आवाज़ सही से सुनाई पड़ गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल रियल टाइम, ये जो कि रियल टाइम में वर्क करता है उसमें उस समय जो हमारा जो वीडियो कॉलिंग का सिस्टम होता है जो नेटवर्क को साधता है, तो उस समय क्या होता है यूडीपी ही वर्क करता है। क्योंकि मैंने आपको एएसआई मॉडल में ये भी बताया था कि जो हमारा डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पर ट्रांसफर करने का काम होता है उसमें मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल। तो इन मॉडल्स के पास में सारे प्रोटोकॉल्स पहले से ही होते हैं, जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत होती है वो प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं और सारा काम बैकेंड में चलता रहता है, लेकिन इस चीज़ को हमें कभी भी प्रतीत नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है ये जो भेजने वाले को कभी बताता नहीं है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं पहुंचा, नेटवर्क में छूट गया, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये टीसीपी की तुलना में फास्ट डेटा को ले जाने वाला होता है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं इसकी, हमारा जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने ओएसआई में बताया था आपको कि इसमें जो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वहाँ पे जो काम होता था, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे जो काम होता था, वो हमारा यहाँ पर इन दोनों लेयर पे हमारा वो काम हो जाता है। उसके बाद में आगे बढ़े तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन के बाद में आपकी आ गई साथ ही साथ होता क्या है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डेटा तैयार होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि किस फॉर्मेट में डेटा हमारा शो होना है, किस एप्लीकेशन पे शो होना है, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ सेशन लेयर पे क्या होता है, दूसरी मशीन से कनेक्शन साधा जाता है। साधने का मतलब है कॉन्टैक्ट बनाए रखा जाता है कि हाँ दूसरी मशीन से डेटा आएगा तो आपको वो कॉन्टैक्ट बना के रखना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, होस्ट टू होस्ट, यानी कि है क्या है, सब कुछ वही, यानी कि जो ओएसआई मॉडल मैंने आपको दिया था वो सब कुछ टीसीपी आईपी मॉडल में वो सारे प्रोटोकॉल्स वो सारी लेयर्स मौजूद होती हैं, बट नाम दूसरे होते हैं सिर्फ। यहाँ पर
ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को यहाँ पे होस्ट टू होस्ट नाम दिया गया। ट्रांसपोर्ट लेयर का मैंने भी काम भी बताया था आपको, इसमें टीसीपी आईपी के साथ में इसका वर्क होता है और साथ ही साथ में क्या होता है ये डेटा को ले जाता है। और ये भी मैंने बताया कि आईपी भी इसके साथ में डेस्टिनेशन को साधने का काम करता है, ये चीज़ अभी मैंने बताई थी। और उसके बाद में नेटवर्क, नेटवर्क लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर जब डेटा दो मशीनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा होता है तो नेटवर्क को मजबूत बनाए रखने का काम नेटवर्क लेयर करती है। और आगे देखें तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर जैसा कि मैंने इसमें आपको बड़े ही छोटे बिंदुओं में मैंने आपको शो ऑफ किया है ताकि आप आसानी से देख सकें समझ सकें। तो डेटा लिंक लेयर और बाकी बची हमारी फिजिकल लेयर, ये जो दोनों लेयर हैं वो आपकी नेटवर्क लेयर में आ जाती है। तो इनसे क्या सुविधा होती है, डेटा लिंक लेयर क्या होती है, डेटा जब पहुँचेगा तो डेटा की अपने पास एक कॉपी रखेगी ताकि अगर डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है किसी प्रकार से खराब हो जाता है कोई पैकेट तो उसकी कॉपी पेस्टिंग की जा सके और डेटा सही फॉर्मेट में डेस्टिनेशन मशीन को भेजा जा सके। और फिजिकल लेयर ये तय करती है कि किस रूट से, किस राउटर से, किस नेटवर्क से, किन किन सर्वर को पास करते हुए हमारा डेटा ट्रेवल करने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा कि टीसीपी आईपी मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। साथ ही साथ अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा जब डेटा नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा होता है टीसीपी लेकर, तब उस समय जो टीसीपी के साथ में मैंने भी बताया था कि आईपी भी वर्क करता है, तो आईपी क्या करता है, वो जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है वो एआर जो आईपी जो होता है आईपी की मैपिंग करता है। मैपिंग का मतलब होता है उसकी पूरी जानकारी रखता है कि आईपी के पास, यानी आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास किस मशीन का आईपी एड्रेस है, उसकी वो एड्रेसिंग करता है। एड्रेसिंग के मतलब ये है कि एड्रेस में मैंने आपको बताया था कि कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, मैंने आपको भी जल्दी पीछे भी ये वीडियो में दिए थे कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो उनकी वो ब्लॉकिंग करता है। ब्लॉकिंग करने के बाद ये समझता है कि ये किस नेटवर्क का डेटा है, किस नेटवर्क को डेटा जाना, आपकी इस मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इन सब की मैपिंग करते हुए उसका फिजिकल एड्रेस को तलाश करता है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि नेटवर्क में जो भी मशीनें होती हैं उन मशीनों के दो दो एड्रेस होते हैं, एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस जिसको आप फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्योंकि जब कंपनी में मशीन बनती है तो मशीन पे एक फिजिकल नंबर भी पड़ा रहता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, वो एड्रेस कभी नहीं बदलता है। और आईपी एड्रेस जब भी हम एक नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आईपी एड्रेस हमें हर बार में एक न्यू मिलता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो जो न्यू आईपी एड्रेस यानी कि हर मशीन को एक नया नाम जो कि नेटवर्क में जुड़ने पर मिलता है, उस नाम के माध्यम से एआरपी जो होता है वो उस फिजिकल एड्रेस को पकड़ता है ताकि वो सही मशीन पे डेटा भेजा जा सके। ऐसे में क्या हो सकता है कि हो सकता है गलत मशीन पे डेटा पहुंच जाए, यानी कि 100% सियोरिटी देने के लिए ताकि मशीन सही मशीन पे डेटा पहुंचे। और जब डेटा हमारा पहुंच जाता है तो जब जैसे लोकल नेटवर्क में पहुँच गया तो एआरपी क्या करता है, लोकल नेटवर्क का जो सर्वर होता है उससे पूछता है क्या आपके पास इस तरीके का कोई आईपी या आईपी से जुड़ा हुआ मैक एड्रेस है। अगर उसकी जो लोकल एरिया का नेटवर्क होता है, रूटर होता है या बोल सकते हैं एक सर्वर टाइप की मशीन होती है लोकल एरिया की, अगर उसके पास वो एड्रेस मौजूद होता है तो क्या करता है, एआरपी जो डेटा टीसीपी आईपी लेके आया उसको सही फॉर्मेट में सही लेंथ में कन्वर्ट कर देता है और डेस्टिनेशन पे डेटा छोड़ देता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करता है, वो उस सर्वर के पास में वो डेटा छोड़ देता है और कहता है भैया कि ये जो टीसीपी आईपी जो जिस आईपी या जिस मैक एड्रेस का डेटा या फिजिकल मशीन का डेटा लेके आया है ये डेटा आप अपने पास रख लो, अगर फ्यूचर में ये मशीन आपसे कनेक्ट हो तो आप क्या करना कि इस मशीन ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको सौंप रहा हूँ अमानत के तौर पर, ये डेटा उस मशीन को ट्रांसफर कर देना। यानी कि फ्यूचर में जब वो मशीन हमारी जुड़ेगी किससे, इंटरनेट से, तब लोकल एरिया की जो हमारी सर्वर लोकल एरिया का जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क हमारे मशीन पर डेटा यानी कि हमारे मैक एड्रेस पर डेटा तुरंत रिलीज कर देगा। तो ये जो काम होता है ये हमारे एआरपी का होता है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप हमसे पूछें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।